गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ शक्ति मोर इंग्लिश स्कूल. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 नेचुरल रीजन. ओके सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन वी हैव कंप्लीटेड इन अवर लास्ट क्लास. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम योर रीजन द लोकेशन एंड एक्सटेंट एंड वट इज द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन. सो फर्स्ट ये गिवन इज तुंद्रा रीजन. ओके तो यहाँ पे देखो सारे रीजन्स के नेम दिए है ना. तुंद्रा रीजन है, टाइगर रीजन इज देयर, ग्रासलैंड और स्टिप्स एंड पेरीज, हॉट डेजर्ट रीजन, ग्रासलैंड्स, सुदन ट्राइब, इक्वेटोरियल रीजन. ओके तो ये सारे क्या है, रीजन्स है हमारे वर्ल्ड में. हम और ये उसकी लोकेशन है, मतलब वो कहाँ पर है. ओके कहाँ पर है और क्या है, मतलब कितना डिस्टेंस है उसका, उसकी एरिया कितनी है, राइट. अब ये जो रीजन है उसकी क्या क्या क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, मीन्स कौन से पीरियड में कैसा क्लाइमेट होता है दैट. ओके सो लेट स्टार्ट दिस. फर्स्ट इज तुंद्रा रीजन. सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ तुंद्रा रीजन. यस सो बिटवीन 65 डिग्री टू 90 डिग्री पैरेलल. यस तो अब देखो इसकी जो लोकेशन है तुंद्रा रीजन की वो कहाँ से है, 65 डिग्री से लेकर 90 डिग्री पैरेलल है. ओके ग्रीनलैंड, नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ यूरोप एंड एशिया. यस अब ये जो तुंद्रा रीजन है तो ये कौन से कंट्री में आ रहा है, ग्रीनलैंड. ओके फिर नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ एशिया, यहाँ यहाँ पर ये आ रहा है, मतलब ये जो तुंद्रा रीजन है वो ये वाली कंट्रीज में है. ओके नाउ व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन. Means summer temperature 10 degree Celsius. Yes, तो देखो जब वहाँ पे summer होता है, summer season होता है, तो वहाँ का summer का temperature कितना होता है, 10 degree Celsius का होता है. और winter में उसका temperature क्या हो जाता है, -20 degree to -30 degree Celsius. Okay? मीन एनुअल रेनफॉल 25 to 300 millimeter. यस अब यहाँ पे एनुअली कितनी, मतलब पूरे ईयर में कितनी रेनफॉल होती है, 25 to 300 mm. ओके और वो एरिया, वो रीजन कैसा है, इट इज़ वेरी कोल्ड क्लाइमेट. और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंडा है. नाउ नेक्स्ट टाइगर रीजन. ओके देखो दिया आर गिवन मैप ऑल्सो, वहाँ पे देखो मैप भी दिया हुआ है ना कि कहाँ पे कौन सा रीजन है. अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 55 डिग्री एंड 65 डिग्री. यस अब ये जो रीजन है ये कौन सी उसमें आ रहा है, लोकेशन में आ रहा है और कितना एक्सटेंड है, 55 डिग्री से लेके 65 डिग्री तक. ओके नॉर्थ पैरेलल, नॉर्थ में है पैरेलल, फ्रॉम अलास्का टू द अटलांटिक कोस्ट पार्ट ऑफ यूरेशिया. यस अब ये कौन से कंट्री में आ रहा है, कौन सी कंट्री में आ रहा है. ओके कौन से कंट्री, कौन से कॉन्टिनेंट में आ रहा है. सो अलास्का ये कहाँ से आ रहा है, ये जो टाइगर रीजन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अलास्का से लेकर अटलांटिक कोस्ट से तक, प्लस उसमें कुछ पार्ट जो है वो कहाँ के आ रहे हैं, यूरेशिया के आ रहे हैं. ओके नाउ क्लाइमेट, समर टेम्परेचर 15 degree to 20 degree Celsius. यहाँ का अब समर का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, 15 degree to 20 degree Celsius. ओके विंटर टेम्परेचर बिलो 0 degree Celsius. अब विंटर का जो टेम्परेचर होता है वो 0 degree से बिलो होता है, मतलब उससे भी नीचे होता है. एनुअल रेनफॉल बिटवीन 300 to 500 millimeter. यस तो जो एनुअल रेनफॉल होती है ये रीजन में, टाइगर रीजन में, वो 300 to 500 mm होती है. ओके रेनफॉल इन समर, स्नोफॉल इन विंटर. और रेनफॉल कब होती है, समर के टाइम पे, स्नोफॉल के टाइम पे, विंटर. नाउ ग्रासलैंड, स्टीप एंड पेरिस. ओके
सो बिटवीन 30 डिग्री एंड 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल इन द इंटरवियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. यस, अब देखो ये कहाँ पे लोकेट है, 30 डिग्री एंड 55 डिग्री नॉर्थ, राइट. और प्लस ये क्या है, साउथ पैरेलल है, वो भी कौन से पार्ट से, इंटीरियर पार्ट से, मीन्स अंदर के साइड के पार्ट से. ओके, कॉन्टिनेंट के स्टीप्स यूरेशिया. अब देखो यहाँ पे कौन सी कंट्री से, मतलब ये जो रीजन है वो कौन सी कंट्री में जा रहा है, स्टीप्स मीन्स यूरेशिया, वेल्ट्स मीन्स साउथ अफ्रीका, पैम्पर्स साउथ अमेरिका, पेरिस नॉर्थ अमेरिका, एंड डाउन्स ऑस्ट्रेलिया. नाउ द डाउन साइड ऑफ दिस रीजन इज ऑस्ट्रेलिया. ओके, मतलब ये रीजन के डाउन साइड में क्या रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है. ओके, नाउ क्लाइमेट. समर टेम्परेचर अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस. सो समर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना है वहाँ पर, 27 डिग्री है. और विंटर का टेम्परेचर अगेन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पर 0 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर होता है. ओके, एनुअल रेनफॉल 400 to 600 mm, मीन्स पूरे ईयर में, होल ईयर में कितनी रेनफॉल होती है वहाँ पर, 400 to 600 mm. ओके, रेनफॉल मोस्टली ड्यूरिंग समर. और रेनफॉल कब होती है, ज़्यादातर समर सीजन के टाइम पर होती है. ओके, नाउ हॉट डेजर्ट रीजन, मीन्स जैसे राजस्थान साइड का जो एरिया होता है ना, वो हॉट डेजर्ट रीजन में आता है. यस, सो बिटवीन 20 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल. अब ये जो है रीजन वो 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ साउथ पैरेलल में आता है. मीन्स अप साइड और डाउन साइड, मीन्स पैरेलल, अपोजिट टू इच अदर मीन्स पैरेलल. ओके, इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स. अब इसके ये जो है, मतलब ये जो डेजर्ट रीजन है, तो इसके वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में जो कॉन्टिनेंट्स है ना, मीन्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, तो कौन से है, देखो वहाँ पे कौन से कंट्री सिचुएटेड है वो कॉन्टिनेंट पे. ओके, सहारा जो कि नॉर्थ अफ्रीका में आता है, कोलोराडो जो नॉर्थ अमेरिका में आता है, अटाकामा साउथ अमेरिका, कलाहारी साउथ अफ्रीका, एंथार जो एशिया मीन्स हमारे कॉन्टिनेंट में आता है. ओके, एक्सेट्रा. नाउ क्लाइमेट, समर टेम्परेचर 30 डिग्री to 45 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे जो समर टेम्परेचर है तो वो कितना होता है, 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक होता है. और विंटर टेम्परेचर इट 20 डिग्री to 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, यहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं होती है. ट्रिमेंडियस हीट एंड वेरी लो रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हीट होती है, और जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है. ओके, नाइट्स आर वेरी कोल्ड, लेकिन यहाँ की जो रातें होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. नाउ नेक्स्ट, ग्रासलैंड सूदन टाइप, बिटवीन 5 डिग्री to 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल इन बोथ द हेमिस्फीयर. यस, अब इसका जो लोकेशन है वो कैसा है, देखो 5 डिग्री to 20 डिग्री नॉर्थ में. ओके, और ये क्या है, साउथ से पैरेलल है, दोनों साइड से, दोनों हेमिस्फीयर से साउथ से पैरेलल है, नॉर्थ साउथ. नाउ अब इसमें कौन सी कंट्रीज आती है,
कौन सी कंट्रीज के कौन सी सिटीज आते हैं? सो फर्स्ट सवर्ना, दैट इज इन अफ्रीका. क्वींसलैंड, दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया. द पार्कलैंड, विच वन? दिस इज इन अफ्रीका. एंड लानोस एंड कंपोज, विच वन इन दिस मीन्स इन विच कंट्री और इन विच कॉन्टिनेंट इट्स कम? साउथ अमेरिका. मीन्स ये सारे क्या ब्रैकेट में जो दिए ना, वो आपको कॉन्टिनेंट के नेम दिए हुए. ओके एंड अदर ग्रासलैंड रीजन्स. नाउ व्हाट वाज द सीजन, व्हाट वाज द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया, ऑफ दैट रीजन? समर टेम्परेचर अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर ग्रासलैंड साइड में है ना, ग्रासलैंड का जो एरिया है, तो वहाँ पे समर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 35 डिग्री. ओके 35 डिग्री सेल्सियस. और विंटर टेम्परेचर्स अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस. और विंटर का जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस का होता है. रेनफॉल अराउंड 250 to 1000 mm. और होल ईयर में कितनी रेनफॉल होती है वहाँ पर? 250 to 1000 mm. ओके हॉट एंड ह्यूमिड समर, वॉर्म एंड ड्राई विंटर. यस, अब वहाँ की जो समर होती है वो कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड प्लस, और जो हाँ मतलब जो ठंडी होती, गर्मी होती है वहाँ की, वो बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है, बहुत धूप धूप होता है. और फिर वी फील वॉर्म, है ना, और फिर क्या देखो, मतलब इतना ज़्यादा ठंडी है वहाँ पर, ग्रासलैंड का जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है. हॉट एंड ह्यूमिड समर है ना, समर कैसा होता है? हॉट एंड ह्यूमिड होता है. और विंटर कैसे होता है? वार्म, ठंडा होता है, और ड्राई विंटर होता है वहाँ. ओके नाउ लास्ट वन, इक्वेटोरियल रीजन, बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर. यस, अब ये जो है मतलब ये जो लोकेशन है ये इक्वेटोरियल रीजन की, तो ये कहाँ पे होती है? मिडल में होती है. जो हमारा वर्ल्ड मैप होता है, ग्लोब होता है, तो उसके मिडल में जो देखो इक्वेटोरियल की लाइन पास होती है ना, तो वहाँ से होती है. ओके सो वहाँ से ये हम लोग को दिया हुआ है लोकेशन, ये थे 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री इक्वेटर. ओके मीन्स ये जो है सिचुएटेड है तो कहाँ पर है? नॉर्थ की साइड में और इक्वेटर की साइड में. और इक्वेटर कहाँ पर है? ये मिडल पार्ट में है अर्थ. नाउ लेट्स सी विच कंट्री विल कम हियर. मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, गिनिया, कॉन्गो, बेसिन, अमेजोन और बेसिन. यस, सो ये वहाँ का क्या है मतलब सिटीज है जहाँ पर ये रीजन है. ओके मतलब ये रीजन में जो इक्वेटोरियल रीजन है तो वहाँ पे ये सारी सिटीज और कंट्रीज है. ओके नाउ लास्ट वन इज क्लाइमेट. समर टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ का जो समर टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस का होता है. और एनुअल रेनफॉल कितनी होती है? 2500 to 3000 mm. मतलब सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है रीजन में वो ये वाले रीजन में होती है, इक्वेटोरियल रीजन में होती है. ओके हाई हीट एंड रेनफॉल थ्रू आउट ईयर, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? हीट होती है. और प्लस जो रेनफॉल होती है वो होल ईयर में कभी भी होते रहती है. ओके बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वेजिटल लिटर डिकम्पोजेस लीडिंग टू डिसीज. यस, अब ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा वहाँ पर क्या हो रही है? रेनफॉल हो रही है, तो इस वजह से क्या हो रहा है? और प्लस वहाँ का जो क्लाइमेट है हॉट एंड ह्यूमिड भी है ना, तो जो वेजिटल लीटर होते हैं मतलब जो वेजिटेबल्स से रिलेटेड जो गार्बेज होता है तो वो डिकम्पोज होते हैं ना, तो उससे क्या होती है? डिसेज होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा. अभी
नाउ नेक्स्ट, अब वही रीजन्स के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे, वहाँ के एनिमल लाइफ देखेंगे, मतलब वहाँ पे कौन से एनिमल्स फाउंड कर सकते हैं, है ना, मिलते हैं, है, और वहाँ की ह्यूमन लाइफ कैसी है वो रीजन की, ओके, फिर वहाँ पे जो ह्यूमन्स होते हैं वो कैसे रहते हैं। सो नेचुरल वेजिटेशन, शॉर्ट लाइफ वेजिटल लाइफ, यस। सो जो वेजिटल लाइफ होती है वो कैसी होती है वहाँ पे, शॉर्ट होती है, ओके, शॉर्ट ग्रास, स्मॉल हर्ब्स, फ्लावर्स, लिचेंस और मॉस, मतलब वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ओके, कौन से रीजन में, टुंड्रा रीजन में, ओके। ना अब टुंड्रा रीजन की एनिमल लाइफ कैसी है, ओके, कैरीबाउ, रियनडियर एक्सेट्रा, पोला बिया, फॉक्सेस, वॉलरस एंड स्केल, सील, एनिमल्स विद सॉफ्ट थिक फुर, यस। अब यहाँ पर तुंद्रा रीजन में कैसे एनिमल्स फाउंड किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कैरीबाउ और फिर रियनडियर डियर और फिर प्लस पोलार बियर, फॉक्सेस, वॉलरस और सील, मतलब इन शॉर्ट जो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर सॉफ्ट और थिक फुर होते हैं तो वो एनिमल्स ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं, ओके। ना ह्यूमन लाइफ, हंटिंग एंड फिशनरीज, हाई टेंट्स, इग्लूज, तो पिक हाउसेस, ये सब वहाँ की जो ह्यूमन लाइफ है वो कैसी है वहाँ पे, मतलब मेन ऑक्यूपेशन क्या है वहाँ का, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, दे आर डूइंग हंटिंग एंड फिशरीज, ओके, फिशरीज, ओके, मतलब वहाँ पे फिश को कैच करते हैं, है ना, और प्लस हंटिंग करते हैं, एनिमल्स की हंट करते हैं। हाई टेंट, जैसे छुपे हुए टेंट होते हैं वैसे घर में लोग रहते हैं, इग्लू में रहते हैं। यूज ऑफ स्लेज, और किसका यूज करते हैं वो, स्लेज का यूज करते हैं। इस्किमो पीपल, वहाँ पे जो लोग होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, इस्किमो पीपल, ओके। टफ लाइफ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हाईली स्पर्स, यस। सो वहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है और पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, बहुत ही हाईली स्पर्स है, ओके। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट रीजन, दैट इज टाइगर रीजन, ओके। नाउ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ टाइगर रीजन, कॉनिफियरस फॉरेस्ट, लीव्स आर नैरो, यस। तो वहाँ पे कौन से फॉरेस्ट है जहाँ ज़्यादातर कॉनिफियरस फॉरेस्ट है वहाँ पर, ओके, और वहाँ पे जो प्लांट्स है उनकी लीव्स कैसी होती है, नैरो होती है, पॉइंटेड, ओके, और ब्रांच लीनिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड, और ब्रांचेस इतनी बड़ी होती है ट्रीज की कि वो नीचे ग्राउंड को टच करती है, ओके। वुड इज लाइट एंड सॉफ्ट, और जो वुड होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका वेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट, ओके, सो जो लीव्स होते हैं वो नैरो होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, और जो ब्रांचेस इतनी ज़्यादा मतलब इतनी बड़ी होती है कि वो कहाँ पे टच होती है, ग्राउंड पे टच होती है, और वुड बहुत लाइट वेट के होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, ओके। और कौन से मतलब ट्रीज और वुड वहाँ पे फाइंड होते हैं, देखो फाउंड होते हैं, स्पर्स, फिर पाइन, रेडवुड, एक्सेल्ट, ओके। नाउ एनिमल लाइफ, हैव सॉफ्ट एंड थिक फुर, अब यहाँ पर भी ऐसे एनिमल होते हैं जिनकी जो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और उनके बॉडी के ऊपर क्या होती है, थिक फुर होते हैं। कैरेबियस एल्क, एरमाइन, बीवर्स, सिल्वर फॉक्स, मिंक्स, बियर एक्सेट्रा, अब ये सारे क्या है, एनिमल्स है दैट वेयर फाउंडिंग इन दिस रीजन, ओके। ना ह्यूमन लाइफ ऑफ दैट रीजन, पॉपुलेशन इज लेस, मतलब यहाँ की ये रीजन में जो कंट्री आ रही है, जो कॉन्टिनेंट आ रहे हैं ना, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो कैसी होती है, बहुत लेस होती है, और लम्बरिंग एंड हंटिंग आर मेजर ऑक्यूपेशन, यस। अब जो लम्बरिंग और हंटिंग ये क्या है वहाँ के मेजर
ऑक्यूपेशन है, और उसके साथ कुछ एग्रारियन एक्टिविटीज भी होती है. ओके यस, तो मतलब ऐसे भी इन लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं. ओके दैट्स कॉल्ड एग्रारियन एक्टिविटीज. नाउ नेक्स्ट रीजन, ओके ग्रासलैंड. Now let's see what is the natural vegetation of grassland region. Extensive grass ranches are seen. अब यहाँ पे जो grasses हम देखते हैं वो कैसी होती है, बहुत extensive होती है. और short grasses growing in lumps, और जो छोटी छोटी grasses होती है वो कैसे grow होती है, एक lumps में grow होती है. Okay, grass get dried up in winter, और winter season में वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है. ओके ओके सो ग्रास क्या हो जाती है, ड्राइड हो जाती है, कब, विंटर सीजन में. एल्डर पॉपुलर ट्रीज आर फाउंड, यस. तो ये जो टू ट्रीज के नेम दिए, एल्डर और पॉपुलर, तो ये जो टू ट्रीज है बहुत ज्यादा यहाँ पे फाउंड किए जाते हैं. Now let's see animal life of that region. Wildlife include deers, horses, dog, wolves, bisons, rabbits, hares, kangaroos and dingoes. So ये जो सारे animals है वो ये वाले region में होते हैं. Okay? Domesticated animals means ऐसे animals जिनको हम domesticate कर सकते हैं, हमारे साथ रख सकते हैं, मीन्स एनिमल दैट वी कैन कीप विथ अस, उसे बोलते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल. सो ऐसे कौन से एनिमल्स वहाँ पे होते हैं, शिप, गोट, कैटल, हॉर्स, डोंकी, ये भी यहाँ पर ये वाले रीजन में होते हैं. नाउ ह्यूमन लाइफ, रियरिंग एनिमल्स इज अ मेन ऑक्यूपेशन, यस. अब यहाँ पे जैसे हम लोग ने एज कम्पेयर टू अवर प्रीवियस रीजन है ना, अगर हम हमारे प्रीवियस रीजन को कंपेयर करेंगे तो वहाँ के जो मेन ऑक्यूपेशन थे, जैसे फर्स्ट थी हंटिंग और फिशिंग है ना, सो वैसे जो सेकेंड वाले रीजन में था जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, लम्बरिंग और हंटिंग. सो अब ये क्या है, यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन है ये रीजन के जो पीपल जो ज़्यादातर बिजी रहते हैं वो कौन से वर्क में बिजी होते हैं, मीन्स वॉट ऑक्यूपेशन दे आर डूइंग, वो रियरिंग करते हैं, रियरिंग एनिमल्स. ओके और ये मेन ऑक्यूपेशन है वो रीजन का. अर्लियर पीपल हैड अ नोमैडिक लाइफ, यस. तो पहले ये जो पीपल्स इनकी लाइफ कैसी थी, नोमैडिक थी, बट लिव्ड इन हाई टेंट्स, और ये कहाँ पे रहते हैं, जो हाई टेंट्स होते हैं जिसे यर्ड्स बोलते हैं. ओके तो वहाँ पे रहते थे. किर्गिज पीपल आर नो मोर नोमैडिक, अब ये एक टाइप है पीपल की, जैसे किर्गिज पीपल. ओके सो वो मतलब अब उन्हें नोमैडिक नहीं बोला जाता है. ओके और वो कहाँ पे रहते हैं, वो मतलब उनके खुद के हाउसेस बिल्ड करते हैं और वहाँ पर रहते हैं, और ये एग्रीकल्चर भी करते हैं, और एग्रीकल्चर में कौन सा क्रॉप ग्रो करते हैं, वो ज़्यादातर वीट ग्रो करते हैं. नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज हॉट डेजर्ट रीजन. ओके टॉनी बुशेस विथ हार्डली एनी लीव्स, यस. अब यहाँ पे जो यहाँ का जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, तो वहाँ पे देखो क्या है, जो थॉर्नी बुशेस होते हैं, जैसे हम लोग कैक्टस बोल सकते हैं ना, मतलब ऐसे प्लांट जिसके ऊपर क्या होते हैं, थॉर्न होते, कांटे होते, तो ऐसे वहाँ पर ज़्यादा है. ओके और प्लस वो बहुत मतलब बहुत हार्डली उसके ऊपर हमको क्या देखने मिलेंगे, लीव्स देखने मिलेंगे. और उसके जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नैरो होते हैं, ऑयली होते हैं, प्लस वो थिंक बार्क होती है उनकी. वंस मॉइस्चर इज सॉइल कंज्यूम प्लांट्स डाई, यस. मतलब देखो जब वन टाइम क्या है, मतलब वंस मॉइस्चर इन सॉइल, जब तक कि मैं तो वन टाइम में जो मॉइस्चर रहा सॉइल में, सो उससे क्या कंज्यूम हो रहा है, मतलब जो प्लांट्स है दैट विल डाई. ओके एग्जाम्पल लाइक कैक्टस, सीसल, पाम, डेट पाम एक्सेट्रा, मतलब ये जो प्लांट्स है ये हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादातर लार्ज क्वान्टिटी में.
मतलब कैसा दिया भाई, देखो ज़्यादा अगर ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे मॉइस्चर रहा तो उसे क्या होगा, जो प्लांट्स है वो डाई हो जाएंगे। ओके, एनिमल लाइफ, कैमल्स सर्वाइव फॉर डेज विदाउट वाटर, है ना। ऑल वी नो कैमल्स ऐसे एनिमल है जो बहुत दिनों तक विदाउट वाटर सर्वाइव कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली वहाँ पे कैमल्स ज़्यादा मिलते ज़्यादा रहते हैं। नंबर्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द ग्राउंड इन लेस, डे टाइम लिव इन साइड द ग्राउंड, मतलब डे टाइम में ये कहाँ पे रहते हैं ये वाले एनिमल्स, इन साइड द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर रहते हैं, जैसे स्नैक्स, रैट्स, लीजार्ड, स्कॉर्पियन एक्सेट्रा, ये सारे जो इंसेक्ट है स्नैक है ना, तो ये सब हम लोग को कब दिखेंगे वहाँ पे, डे टाइम ही लोग अंदर रहते हैं और रात में बाहर निकलते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक हॉर्स, डोंकी, शिप, ऑक्सन एक्सेट्रा, ये सो डोमेस्टिकेटेड के लिए कौन से एनिमल्स यूज़ करते हैं वहाँ के पीपल्स, हॉर्स, डोंकी, शिप और ऑक्सन और एक्सेट्रा। ओके, नॉन ह्यूमन लाइफ, बेडुइंस दैट इज सहारा, बुशमैन कालाहारी, अबोरिगाइंस ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट ऑफ द नीड्स गेट फुलफिल थ्रू एनिमल्स। यस, अब यहाँ पे जो लोग होते हैं यहाँ के जो पीपल्स है, जैसे अब यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है नेम है ना, तो यहाँ के जो लोग होते हैं तो वो अपनी जो नीड्स होती है वो किसके थ्रू फुलफिल करते हैं, एनिमल्स के थ्रू फुलफिल करते हैं। एग्रीकल्चर इज कंबाइंड कन्फाइंड टू रिवर वैली एंड कोसेस, ये सब जो एग्रीकल्चर होता है ना तो वो किसके थ्रू किया जाता है, मतलब ऑब्वियसली रिवर्स और वैलीज के थ्रू। नाउ लास्ट, सेकेंड लास्ट रीजन दैट इज ग्रास लैंड, ग्रास लैंड ऑफ सुदन टाइप, टॉल एंड थिंक ग्रास। अब यहाँ पे जो ग्रासेस होती है वो कैसी होती है, टॉल होती है और बहुत ही ज़्यादा थिक होती है। हाइट ऑफ ग्रास अराउंड 6 मीटर, यस। अब यहाँ पे जो ग्रास की हाइट होती है वो कितनी मीटर होती है, 6 मीटर की हाइट होती है उसके, 6 मीटर सोचो। और से बोला वो ग्रास को क्या बोला जाता है, एलिफेंट ग्रास बोला जाता है। ट्रीज आर रेयर एंड हैव अम्ब्रेला लाइक कोनोपी, ये सब जो ट्रीज होते हैं तो वो कैसे होते हैं, मतलब ट्रीज आर रेयर मतलब बहुत रेयरली हम लोग वहाँ पे ट्रीज दे सकते हैं, और जो ट्रीज देखते हैं तो उनके ऊपर कैसे होता है एक कोनोपी, मतलब अम्ब्रेला टाइप में उनके ऊपर होता है। यस, कोनोपी मीन्स जैसे शेड होती है ना, सन शेड होती है, या फिर टेंट के ऊपर का जो शेड होता है ना तो उसे बोलते हैं कोनोपी, तो वैसे वो ट्रीज के ऊपर होता है एम्ब्रेला टाइप में। एग्जाम्पल्स एकाशिया, एगेव, सीसल, पाइनएप्पल, कैक्टस एक्सेट्रा, मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे फाउंड की जाती हैं। नाउ एनिमल लाइफ, लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोरियस एंड कार्निवोरियस एनिमल्स, यस। अब यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर कौन से एनिमल्स देख सकते हैं, हर्बीवोरियस और कार्निवोरियस एनिमल्स को देख सकते हैं। नेचर हैज़ गिफ्टेड देम विद स्पीडी लेग, अब यहाँ पे जो एनिमल्स है ना तो उन लोगों के लेग कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पीडी होती है, मतलब ये गॉड गिफ्टेड है उन लोगों को कि उन लोग जो उनके लेग है वो बहुत ज़्यादा स्पीडी है, बहुत ज़्यादा स्पीड से वो रनिंग कर सकते हैं। स्किन ऑफ द एनिमल्स हैज़ कलरफुल स्पॉट्स और स्ट्रिप्स बैंड्स, यस। अब वो जो एनिमल्स की स्किन होती है तो उसके ऊपर क्या है, कलरफुल स्पॉट्स होते हैं या फिर क्या होता है, स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं इसे जेब्रा के ऊपर, राइट। एग्जाम्पल लॉयन, चीता, वॉल्फ, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, राइनो, वाइल्ड ऑक्स, बफेलो, कंगारू, इमो एक्सेट्रा, सो ये सारे एनिमल्स हम वहाँ पे देख सकते हो ओरिजिन में। हाउसेज आर सिंपल विथ मड वॉल एंड थैच रूफ, यस। और जो हाउसेज होते हैं वो रीजन के वो कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं और जो वॉल्स होती है वो मट की होती है। ओके, मट मीन जैसे मट्टी से बनाते हैं ना हम लोग, मतलब सॉइल और वाटर को मिक्स करके जो रेडी करते हैं उसे हम लोग बनाते हैं वो, विदाउट विंडो, और उनके जो हाउसेज होते थे उसकी विंडोज़ नहीं होती थी। ओके, मतलब उनके जो हाउसेज वो बिल्ड करते थे तो उसकी विंडो नहीं होती थी।
शॉर्ट इन हाइट एंड डॉम, अब उनके हाउसेस की जो हाइट होती थी वो शॉर्ट होती थी. ओके और शेप हर्ट्स कॉल्ड क्रास, और उनके जो शेप होती थी उसकी हाउसेस की, और जैसे डॉम की, डॉम शेप में होता था. ओके और वो हाउसेस को क्या बोला जाता था? क्रॉल्स बोला जाता था, क्रॉल्स. हंटिंग एंड रियरिंग आर मेन ऑक्यूपेशन. यस, तो ये रीजन में भी जो मेन ऑक्यूपेशन था वो हंटिंग और रियरिंग था. एग्जाम्पल मेन ट्राइब्स इंक्लूड, अब यहाँ पे कौन से ट्राइब्स के लोग रहते थे? जैसे यहाँ दिया है जुलू, हाउसा, मसाई और एक्सेक्रा, ये टाइप्स के जो पीपल्स होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं. नाउ लास्ट वन, इक्वेटोरियल रीजन. ओके, डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट, वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड बुशेस. यस, अब यहाँ पे हमेशा कैसी होती? ग्रीनरी होती, मीन्स हरा भरा होता है. ओके, जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमेशा ग्रीन होते हैं.